निजी पब्लिक स्कूल संघ की राज्य स्तरीय बैठक नवविभोर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलगान जाहू में प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के निजी स्कूलों के संचालकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान निजी स्कूलों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज बुलंद की गई और सप्ताह के भीतर ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के बैनर तले निजी स्कूलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। औपचारिकताओं का कोई मापदंड नहीं है, अर्थहीन नियम स्कूलों पर थोपे गए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत शर्त पर नियम सभी स्कूलों के लिए एक हैं, लेकिन प्रदेश के 12 जिलों में चल रहे निजी स्कूलों में अलग अलग नियम और शर्तें स्कूलों पर थोपी जा रही हैं। ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूलों की छात्रों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है, जबकि निजी स्कूल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का सहयोग ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलों में भी निजी स्कूलों के छात्रों की सहभागिता पर सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार अनिवार्य है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसमें कुल्लू से गणेश भारद्वाज, सोलन से जोगिंदर सिंह, बिलासपुर से सुरेश कौशल, सिरमौर से राकेश, ऊना से लखन पाल शर्मा, हमीरपुर से राजेश ठाकुर, मंडी से राजेंद्र को नियुक्त किया गया है। इसी दौरान जिला मंडी कार्यकारी कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसमें समन्वय बलवंत बरारी, बसंत राणा, निशा कोष अध्यक्ष, मुख्य समन्वयक रविंद्र गुलेरिया, राज्य सदस्य बीडी शर्मा को नियुक्त किया गया है। इस राज्य स्तरीय बैठक में 100 से अधिक स्कूलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने स्कूल संचालन को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर महेश राणा, जिला ऊना के अध्यक्ष लखनपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। हमारी जो आज की बैठक थी वो बैठक बहुत ही सफल रही और हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट के जो पदाधिकारी थे और हमारे हिमाचल की जो एसोसिएशन है उसके भी सभी पदाधिकारी इसमें पहुंचे और इसलिए ये मीटिंग बड़ी सफल रही और जैसी सहमति हम चाहते थे वो सहमति भी इसमें बनी और हमारा जो निर्णय था कि हमने सरकार के दरवाजे पर, अपने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के दरवाजे पर बहुत माथे टेक दिए, लेकिन हमारे को वहाँ से कोई आशीर्वाद नहीं मिला। और ये लड़ाई कई वर्षों की लड़ाई है जिसमें हमने बहुत बार आशीर्वाद लेने की कोशिश की, हमें राहत मिल जाए ये प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला। इस मीटिंग में हमने निर्णय लिया है कि हम जो है एक कोर कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो कोर कमेटी वकीलों से बात करके किस तरह से हमने अपने मसलों को कोर्ट में रखना है इसके ऊपर निर्णय लेगी और हम 7 दिन के अंदर ये फैसला करेंगे कि हमने किसको वकील चुनना है और किस तरह से अपने किन किन मुद्दों को लेकर के कोर्ट के सामने जाना है।